तो अब हम बताते हैं कि किस तरीके से हमको फास्ट ग्रो करना है अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब से टिकटॉक बंद हुआ है और भी एप्लीकेशन जब से बंद हुए हैं, तो जो है तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, लेकिन वो सारी कंफर्टेबल नहीं है। मतलब वो सारे उतना कंफर्टेबल नहीं जितना कंफर्टेबल टिकटॉक था। लेकिन जो है तो उसी के साथ साथ जैसे बंद हुआ था जो है तो हमारा टिकटॉक, वैसे ही जो है तो यूट्यूब ने एक फ्यूचर लॉन्च कर दिया है जो है तो यूट्यूब में, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो का। तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो जो है तो आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग कहेंगे ये कौन सी नई बात है, तो हर इंसान जानता है, बिल्कुल जानता तो है, लेकिन उसका असली सीक्रेट चीज़ नहीं जानता कि किस तरीके से हम अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट की मदद से। बिल्कुल आपने सही सुना, यूट्यूब शॉर्ट की मदद से हम अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो कैसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है तो यूट्यूब शॉर्ट आपको बनाना है, जैसे कि उसे तो मिनिमम जो है तो 60 सेकेंड का बना सकते हो आप ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन जो है तो अगर आप 15 से 20 सेकेंड की वीडियो का शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो आपके जो है तो चैनल 100% ग्रो होगा और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो गाइस जो है तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जिससे आप अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो आपका 100% चैनल वायरल हो जाएगा और आपका चैनल फास्ट ग्रो हो जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगी। पहला चीज़ गाइस जो है तो आपको, आप वीडियो बनाइए ऐसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बीच बीच में शॉर्ट वीडियो अपलोड करना अपने चैनल पे। जैसे कि आप जिस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हैं उसमें आप जो है तो हफ्ते में या 10 दिन, मतलब एक टाइम बना लीजिए कि हफ्ते में या 5 दिन में या 4 दिन में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए करिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो होती है वो वायरल होगी ज़्यादा। क्यों वायरल होगी, क्योंकि गाइज ये यूट्यूब में नया फ्यूचर आया है। जब नया फ्यूचर, जब कोई चीज़ नई आती है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करती है कंपनी। तो बिल्कुल यूट्यूब अभी शॉर्ट वीडियो वालों को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो इससे आपकी वीडियो वायरल होने के 99% चांसेस हैं। और जो है तो शॉर्ट वीडियो अब ये हो गए। अब गाइज आपको बताता हूँ कि उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। गाइज जो है तो जब आप शॉर्ट वीडियो लिखते हो, शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो उसमें जो है जब आप अपलोड करते हो तो उसमें आपको पहले तो जो कैटेगरी की वीडियो बना रहे हो वो कैटेगरी डाल दीजिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं डालना, नहीं तो यूट्यूब जो एगो सिस्टम वो कन्फ्यूज में हो जाता है, क्योंकि इंसान तो है नहीं, वो तो रोबोटिक सिस्टम है। अगर एक वर्ड कई तरीके से लिख जाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा और समझ नहीं पाएगा, इसीलिए वीडियो की रैंकिंग हमारी डाउन हो जाती है। तो आप जो है तो पहले तो मेन कैटेगरी लिख दीजिए जिस चीज़ के बारे में आपकी वीडियो है, उसके बाद आपको आगे मतलब एग्जाम्पल दे देना, मतलब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा लिख देना टाइटल। ओके इतना काम कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको गाइज जो है तो वीडियो के रिलेटेड डाल देना है और उसका टाइटल जो है तो डाल देना है, और आप चाहो तो हैशटैग भी लगा सकते हो और अच्छी बात है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन और टाइटल। और टैग्स में गाइज जो है तो आपको भले इतना जो है तो टैग्स डालने को मिलता है स्पेस, लेकिन गाइज जो है तो हमको मेन मेन टैग डालना है जो कि जो है तो शॉर्ट में और लॉन्ग में। जैसे कि शॉर्ट में डाल देना है जो जो मेन जिस चीज़ की आपकी कैटेगरी है वीडियो की, और जो है तो अपना टाइटल ज़रूर डालना है गाइज, टाइटल डालना साथ में टैग में, और जो है तो रिलेटेड जो है तो कंटेंट का जो टाइटल डालना है और हैशटैग डाल देना है। इतना चीज़ अगर आप कर ले तो 100% आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। और गाइज अगर एक बार वीडियो वायरल हो गई तो समझ लीजिए कि तो आपका 100% फास्ट ग्रो होगा चैनल। तो गाइज जो है तो जब वीडियो वायरल हो जाएगी तो आपका चैनल भी फास्ट ग्रो होगा। और अब बात आती है कि यार क्या जो है तो उसके जो वॉच टाइम है वो काउंट होंगे हमारे लिए। तो बिल्कुल आपने सही, आपका सवाल है, काउंट होगा, 100% काउंट होगा, लेकिन कुछ उसके टर्म एंड कंडीशन, कुछ तरीके हैं। तो बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से अगर वीडियो देखी जाएगी तो उसका वॉच टाइम काउंट होगा। जैसे कि आपका कोई जो है तो जो वीडियो, आपकी शॉर्ट वीडियो अगर आपकी रिकमेंड में जाती है या सर्च लिस्ट में आती है या ब्राउजर फ्यूचर में किसी भी तरीके से अगर उसके सामने जाती है, वो देखता है, तो उसका वॉच टाइम 100% पूरा काउंट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो है तो अगर कोई बंदा आपकी शॉर्ट, मतलब जो है तो शॉर्ट वीडियो में क्लिक करता है और आपको वहाँ शॉर्ट सिस्टम से देखता है और जो है तो शॉर्ट वीडियो के अंदर घुस गया, फिर जो है तो स्लाइड करते करते अगर आपका वीडियो आता है शॉर्ट सिस्टम में, तो गाइस इस तरीके से आपकी वीडियो को वॉच टाइम नहीं काउंट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपका ब्राउजर एंड जो है तो अदर फ्यूचर से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काउंट हो जाएगा जो है तो वॉच टाइम, लेकिन अगर शॉर्ट सिस्टम के अंदर से जो है तो शॉर्ट सिस्टम में अगर जो है तो स्लाइड करके देखता है तो वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइबर आपके जितने भी उसके थ्रू आएंगे वो काउंट हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिस तरीके से आप जो है तो अपनी हेल्प कर सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू,
तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे लाल बटन दबाकर। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यूट्यूब के बारे में सारा नॉलेज देता रहता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बिल्कुल जो है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी वीडियो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।